वैसे सच कहूं आम तौर पर मुझसे ऐसी गलती होती नहीं है, आज थोड़ा सा मामला। कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है। हाँ हाँ जी, थैंक यू। अच्छा अच्छा सुनो, ये रख लो, मेरी तरफ से कूपन है। ये क्या है? थैंक यू, गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिस्टर यूंग, रुकिए। अरे मीना, ये आपके लिए है, मैंने बनाया था तो मैं आपके लिए ले आई। ओ, इसकी क्या जरूरत थी? ऐसे ही बस। इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, है ना? क्या ये तुमने खुद बनाया? हाँ, है? मैंने बनाया है। अरे मुझे यकीन नहीं होता तुमने ऐसा कैसे किया। तुम टॉयलेट करने के लिए एक टीचर के घर गए थे, शर्म नहीं आती? तुमने इसके लिए करीब आधा घंटा वेस्ट किया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई उस वक्त? नहीं, इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था। हाँ ठीक है, जो भी है, लेकिन अब आइंदा ऐसा किया तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ गए? हम खाना खा रहे हैं, आप लोग टॉयलेट की बातें करना बंद करेंगे प्लीज। ओह सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बाप रे, ये देखो, मीना ने अपनी लव स्टोरी हैंजोंग हाई ऑनलाइन कम्युनिटी के सामने बोल दी। 27 अप्रैल को उसने मुझे प्यार भरी आंखों से देखा, मुझे लगा कि जैसे मैं कोई हीरा हूँ। 29 अप्रैल को म्यूजिक रूम में मैंने देखा, टीचर पियानो के पास गिर गए थे, मैं डर के अंदर चली गई। मिस्टर यूंग, आप ठीक तो है ना? मिस्टर यूंग, मिस्टर यूंग, आप ठीक तो है ना? मिस्टर यूंग, उन्होंने अपना सिर उठाए बिना अपने हाथ फैला कर मेरी कमर खींच ली। म्यूजिक रूम में सूरज की रोशनी फैली थी, पियानो बजाने के बाद मुझे उन्होंने अपनी तरफ खींचा। म्यूजिक रूम में सूरज की रोशनी फैली थी, जब पियानो बजाने के बाद मुझे उन्होंने अपनी तरफ खींचा, हमारे दो दिल एक हो गए। तीस अप्रैल को हम रात में फिल्म देखने गए, रात काफी हो चुकी थी। चांदनी रात में, सच में हम थिएटर में पॉपकॉर्न लेकर अपनी सीट पे बैठ गए, लेकिन हमारे आगे की सीट खाली थी। क्यों पता है? मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। उस दिन से वो मेरा हनी बन गया। मैं उन्हें हनी बुलाती हूँ, मेरे हनी, हनी मेरे हनी। हनी, जब हम फिल्म देख के वापस आ रहे थे तब मैं बहुत थक गई थी और उनकी कार में ही सो गई थी, तब मुझे लगा हम पहुंच ही गए। कार रुक गई और मैं जाग गई, लेकिन मेरी आँख खुल ही नहीं रही थी। आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैं जाग तो गई थी, लेकिन मैंने सोने का नाटक किया, देखा कि वो मेरे काफी करीब आ चुके थे किस लेने के लिए। क्या बात है, क्या बात है ना? मेरा दिल धड़क रहा था। ये तो काफी मजेदार है, काश इसके बारे में ये थोड़ा और लिखती। मेरे डैड डिलीवरी के लिए वहां गए थे, उन्होंने देखा मीना मिस्टर यूंग के घर गई थी। क्या कह रही हो, वो उनके घर भी जाती थी? मतलब कहानी का आगे का पार्ट भी आएगा? क्या बात है, बहुत मजा आएगा। चुप हो जाओ, ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। सॉरी। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ पर ये क्या सच होगा? हाँ
आज हम म्यूजिक थ्योरी पर बात करेंगे। पेज नंबर 28 खोलो। निकल जाओ क्लास से। निकल यहाँ से। कैसे टीचर हो? निकल जाओ क्लास से। हमें तुम टीचर बनाई नहीं चाहते। निकल जाओ। टीचर नहीं हो। ये टीचर ही नहीं हो सकते। अरे जाओ। निकलो। अरे तुम इस क्लास में आने लायक नहीं हो, घटिया इंसान। निकलो यहाँ से। देखो अभी गंदे इंसान कहेंगे। कैसा आदमी है, अभी भी खड़ा है बेशरम की तरह। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? क्या करूं, इसे भेजूं या नहीं? क्या करूं मैं? पूरी स्कूल में बवाल मचा है, हमारा ग्रुप असाइनमेंट कैसे पूरा करेंगे? तुम सिर्फ अपने ग्रुप मेंबर्स पर ध्यान दो। इतने सारे लोगों में हमने तुम दोनों को लिया है। एक बात बताओ, ग्रुप असाइनमेंट ग्रुप बनके किया जाता है। मुझे तो खुद पर भरोसा नहीं है। चुप रहो, तुम दोनों को फेल होना है क्या? ये असाइनमेंट हमें पूरा करना ही होगा। सही कहा, हमें 2 दिन में असाइनमेंट खत्म करना होगा, कहीं से तो शुरुआत करनी ही है। सुनो मेरी बात मानो, ये असाइनमेंट करने से हमारे ग्रुप को A+ मिलेगा। तुम्हें ये भी पता है कि असाइनमेंट है क्या? नहीं, नहीं पता। चलो शुरू करते हैं। पागल हो जाएंगे। गर्ल्स, तुम्हारे लिए नाश्ता। यहाँ रख दीजिए मॉम। थैंक यू। घर जाने से पहले तुम सबका 3 किलो वजन बढ़ गया होगा, अपने आप को बचा लो। थैंक यू आंटी। ओ पेट भर कर खाना, तुम बहुत प्यारी हो। नोवेल एनालिसिस, कोइन हून की लिखी द स्क्वायर, ये मुन योल की लिखी अवर ट्विस्टेड हीरो, तुम इसी में उलझी हुई हो? अरे बाप रे, तुम लोग इंटरनेट नॉवेल्स का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? वो बहुत मजेदार है। क्या आइडिया दिया है? तो चलो हाँ शुरू हो जाओ। मेरी मॉम आइडल फैंस की पहली जनरेशन है, अगर मॉम ने कहा है तो जरूर मजेदार होगा। इसका टाइटल क्या था? मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ, टीचर और स्टूडेंट। इसमें मजा नहीं आ रहा है। मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मेरा तो बैलेंस खत्म हो गया। ओ, मुझे मिल गया। क्या ये चलेगा? अरे वाह, जरा दिखाना, ये तो चलेगा। दिखा, दिखा, दिखा। देखो देखो देखो। ओ, ओ, हाँ ये ठीक है। हाँ ये अच्छा ठीक है। ये 2002 में लिखी गई है, इसका मतलब हम 1 साल के थे। ये कहानी बिल्कुल सही रहेगी। केसांग, केसांग की वाइफ। हाँ, ये जीओडी का यून केन सांग है। जीओडी? वो अधेड़ उम्र का आदमी। तुमने बिल्कुल सही कैसे पहचाना? क्योंकि इतने पुराने गाने हमारे रेस्टोरेंट में ही बजते हैं। ओ क्या बात है, ये तो असल जिंदगी की कहानी है। मैं बिखरे हुए साइंस रूम में अंदर गई, जब मैंने देखा मिस्टर यून वहाँ गिरे पड़े हैं। आप ठीक तो हैं मिस्टर यून? आप ठीक तो हैं ना? उन्होंने अपने हाथ फैलाकर मेरी कमर खींच ली। तुम दिख गई, अब मैं ठीक हो गया। साइंस रूम में सूरज की रोशनी फैली थी, जब पियानो बजाने के बाद मुझे उन्होंने अपनी तरफ खींचा, हमारे 2 दिल एक हो गए। हम रात में फिल्म देखने गए, काफी रात हो चुकी थी। कितनी प्यारी कहानी। हम पॉपकॉर्न लेकर अपनी सीट पर बैठ गए, लेकिन हमारे आगे की सीट खाली थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने सारी सीट्स बुक कर ली। हाय मैं मर गई, क्या कहानी है यार। अरे एक सेकंड रुको, तुम्हें ये कहानी जानी पहचानी नहीं लगी? जब ये आई तब हम 1 साल के थे। नहीं, ये तो मीहा की लव स्टोरी है ना? तुमने सही कहा। हम यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन उससे पूछेंगे क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या पूछेंगे। हम उससे पूछ लेंगे कि वो सच बोल रही है या झूठ।
मीना, तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हारी ये कहानी सच्ची है? क्या ये वाकई तुम्हारी कहानी है? क्या तुम्हें इस बात का कोई शक है? दरअसल मुझे लगा तुमने कहीं से कॉपी किया होगा, तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ, कहीं गलतफहमी ना हुई हो। क्योंकि हम सच में प्यार करते हैं, मेरा हनी, मेरा मतलब मिस्टर यूम इस वक्त वो बहुत परेशानी से गुजर रहे होंगे, और सच कहूं तो मेरा भी वही हाल है। मैंने अपनी कहानी इसलिए ऑनलाइन पोस्ट की थी क्योंकि मैं उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी, लेकिन मैं शेयर नहीं करना चाहती थी। शायद वो सच कह रही है। तुमने पहले कभी उसे रोते हुए देखा है क्या? मुझे उसकी कहानी झूठी नहीं लगी। मैं थोड़ी सी हैरान हूँ। लगता है उसे कोई दिमागी बीमारी है, वो इस कहानी को सच मानती है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वापस आ रही थी तो मैं हर सुबह मिस्टर यूम की कार से ही स्कूल आती थी। वो मेरी बगल वाली बिल्डिंग में ही रहती है, इसलिए मैंने उसे कई बार अपनी कार में लिफ्ट दी है। ये फोन उन्होंने ही मुझे दिया है। ये हमारी मैचिंग टी शर्ट और हमारा मैचिंग कप, ये भी उन्होंने ही मुझे दिया है। ये सारी चीजें मेरी हैं। पता नहीं उसके पास भी एक जैसी चीजें कैसे आई। मैं कभी कभी उनके घर जाया करती थी और हम दोनों साथ में बैठकर टीवी देखा करते थे। वो कई बार मेरे लिए खाना भी लाई। मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं उसे रख लेता था क्योंकि वो थोड़े गर्म दिमाग की लड़की है। मैं उसे हर बार दरवाजे से ही वापस भेज दिया करता था, उसे अंदर नहीं आने दिया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे पेट में दर्द है ना, दवाई दे दूं? मैं दवाई नहीं ले सकती हूँ मिस जंग, क्योंकि मैं बोलूं हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सच है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, हमने सही सुना क्या? ये सच है? आगे और क्या क्या करेगी, हमें किसी भी हाल में सच जानना होगा।
ये रिवेंज नहीं है, मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, सिर्फ भलाई के लिए। हमने ये कहानी इंटरनेट नॉवल से ढूंढ निकाली। हमने आज की प्रेजेंटेशन के लिए ये तैयार की है। 2002 में लिखी गई एक ऐसी कहानी जिसने फैन फिक्शन के लिए गाइडलाइन का काम किया। इसका टाइटल है मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। ये केसांग की वाइफ ने लिखी थी। जब ये पब्लिश हुई थी तब इस शहर का तख्ता पलट गया। इस वजह से बहुत से फैन की जिंदगी ही बदल गई। हमने इसका कुछ पार्ट हमारे प्रेजेंटेशन में लिखा है। तो अब देखते हैं इस नॉवल का एक छोटा सा पार्ट। मैं बिखरे हुए साइंस रूम में अंदर गई जब मैंने देखा मिस्टर यून वहां गिरे पड़े हैं। आप ठीक तो हैं मिस्टर यून? मिस्टर यून, उन्होंने अपना सिर उठाए बिना अपने हाथ फैलाकर मेरी कमर खींच ली। तुम दिख गई हो तो अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। साइंस रूम में सूरज की रोशनी फैली थी जब उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींचा। हमारे दो दिल एक हो गए। पहला, इस टेक्स्ट में घटना का इस्तेमाल किया गया था। दूसरा, उपमा का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा, अत्यधिक इंटरैक्शन का इस्तेमाल किया गया है। ये था हमारा प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे, तुम लोगों ने वाकई बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। ऐसे ही मेहनत करना। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। सच में ये कहानी तुम्हारी है? मैं कसम खा के कहती हूं, मैंने ये कहानी नहीं पढ़ी है। तुम लोग सब बहुत बुरे हो। अरे अरे, इसे क्या हो गया? देखिए, जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से ये प्रेग्नेंट नहीं है। क्या? लेकिन इसने तो कहा इसे कुछ दिनों से बहुत उल्टियां हो रही हैं, इसलिए। सिर्फ उल्टियां होने से प्रेगनेंसी साबित नहीं होती है, इसे किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत है। उसके पास इसे लेके जाइए। आप सब जानते हैं कि हमारी क्लास की एक स्टूडेंट को किसी का सोशल मीडिया का अकाउंट देखकर कुछ ज्यादा ही परेशानी हो रही थी। अगर आप लोग नहीं सुधरे तो मैं आप सबके फोन आपसे ले लूंगी। इससे अच्छा होगा आप सुधर जाओ। हाँ, इसका मतलब मिस्टर यूंग की गर्लफ्रेंड की कहानियां उसने कॉपी करके ऑनलाइन छोड़ दी। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि मीना ने जितने भी फोटो अपलोड किए हैं वो सब झूठे और नकली है। क्या? उसका दूसरा अकाउंट भी है? उसने सारे फोटो क्रॉप किए हुए थे। उसका चेहरा बिल्कुल इस पोस्ट से मिलता है। ये देखो। आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर यूं? मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर आपकी शादी हो गई है तो क्या हुआ? मेरा प्यार आपके लिए कभी कम नहीं होगा मिस्टर यूं, कभी कम नहीं होगा। Thank you.
गाने के सात सुरों के साथ लय और ताल का होना भी बहुत जरूरी है। बिना लय ताल के कोई भी गाना बेसुरा होता है। मिस्टर यूम वापस पढ़ाने तो आ गए थे, लेकिन पहले की तरह उनका हंसना बातें करना बंद हो गया था। मीना का नामो निशान इस तरह से गायब हुआ जैसे वो कभी थी ही नहीं। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ये क्या है? अचानक ये हेडिंग क्यों पॉपअप हो रही है? ये तो पुराने जमाने की कोई नॉवल लगती है। उसके बारे में एक आर्टिकल है, फैन फिक्शन का चौंकाने वाला एक एड जिसने 2002 में सबको आकर्षित किया था। उसका खुलासा 15 साल बाद हुआ है। इसके ओरिजिनल फैन भी अब 40-50 साल के हैं। उनको ये काफी आकर्षित कर रहा है। ये लो, अब यही सुनना बाकी रह गया था। सभी लोग इसी के पीछे पड़े हैं। ये क्या नॉवल एनालिसिस? कोई इन हून की लिखी द स्क्वायर? तुम अभी तक इन्हीं सारी चीजों में उलझी हुई हो? ये क्या बात हुई भला? अरे बाप रे, तुम्हें इसकी बजाय इंटरनेट नॉवेल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, वो बहुत मजेदार होती है। आपने तो मुझे डरा ही दिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं मॉम? मॉम, आज के मेकअप में मैं बताऊंगी कि डेट पर कैसा मेकअप करना चाहिए, कम वक्त में अच्छा मेकअप कैसे करें। मैंने इसे नाम दिया है पीच फ्लेवर्ड कैंडी मेकअप, क्योंकि अपनी पहली डेट पर अपने बॉयफ्रेंड का दिल जीतना बहुत ही जरूरी होता है। मैं अपनी पहली डेट पर कैसा मेकअप करके जाऊं? मेकअप फॉर डेट। एक मिनट, ओ ये तो नानी है। ओ, अब इससे मेकअप सीखूं? और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। ओह, तो सबसे पहले मुझे हाइलाइटर लगाना है। ठीक है, ये तो रोज लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब अच्छा, ओफो, अब ये लड़की कहाँ गई? उसे अब अकेले रहने दो, वो बड़ी हो रही है ना। एक मिनट, गुही का बर्थडे आ रहा है ना? हाँ सही कहा। तुम्हें याद है ना, एक बार हम उसका बर्थडे भूल गए थे, उसने कितना बड़ा सौदा किया था। अब वो हाई स्कूल में, हमें सेलिब्रेट तो करना ही होगा। तुम ठीक तो? सॉरी, यकीन नहीं हो रहा मैं इसकी बाहों में हूँ। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ओ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर पे लग गया था। ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं। अब चलो कुछ खाते हैं, मैं तुम्हें कोई अच्छा खाना खिलाता हूँ। क्या खाओगी? कुछ भी जो तुम खाओगे। ठीक है। उसे देखो, कितना हैंडसम है ना। ओ, उसकी हाइट तो कमाल की है। क्या ये हाई स्कूल का लड़का है? तुम्हें क्या लगता है, मुझे उससे बात करनी चाहिए? बिना मेकअप के जाओगी? अपनी शक्ल तो देखो आईने में। मुझे देखना उसकी गर्लफ्रेंड कैसी होगी, वो भी खूबसूरत होगी ना। ओ क्या, ये इसकी गर्लफ्रेंड है? हो ही नहीं सकता, इनकी जोड़ी अच्छी नहीं लगती है। कमाल है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। क्या हुआ, फिर से पेट में दर्द हो रहा है?
नहीं तो हमेशा थोड़ी मेरे पेट में दर्द होता है। क्या हुआ? शायद मुझे ऐसे नहीं खाना चाहिए, है ना? खाते वक्त तुम बहुत अच्छी लगती हो। कल क्या कर रही हो? कल मैं ड्यूकी के साथ यूनवू से मिलने उसकी शूटिंग पर जाऊंगी। फिर तो हम नहीं मिल पाएंगे। कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ चलो। सच में? क्यों नहीं। क्या ये तुम्हें पसंद है, ये वाला? नहीं, ये कुछ खास नहीं है। चलो, मुझे पसंद नहीं आया। चलो चलो। तुम पहले जाओ। नहीं, तुम पहले जाओ। नहीं, तुम पहले जाओ। तुम पहले जाओ। नहीं, पहले तुम जाओ। नहीं ना, तुम पहले। तुम जाओ फिर मैं जाऊंगा। गुई, तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा, पेट भर के खाना। हाँ, थैंक यू। तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं बेटा? माम, आप सबसे ऐसे सवाल क्यों करती हैं? अरे, तुम दोनों दोस्त हो ना, इतना तो हमें जानना चाहिए। मेरे डैड छोटा सा बिजनेस करते हैं और मॉम हाउसवाइफ हैं। अरे वाह, तुम तो एक राजकुमार की तरह दिखते हो बेटा। तुम पढ़ाई भी अच्छी करते होगे, है ना? मॉम प्लीज बस करो। अरे, इतनी जल्दी क्या है? कुछ नहीं, चलो चलो जी। अपने बॉयफ्रेंड की अभी से इतनी फिक्र हो रही है? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, आते रहना बेटा यहाँ। ओके, कितना हैंडसम है। सॉरी, शायद तुम्हें थोड़ा बुरा लगा होगा ना। नहीं, तुम्हारी मॉम तो बहुत अच्छी है। तुम अपनी मॉम पर गई हो। ओ, लगता है मैं कुछ भूल गया। क्या? तुम अंदर कुछ भूल गए क्या? हाँ। बाद में मिलते हैं। हमेशा ऐसा क्यों करती हो? जब देखो मुझे शर्मिंदा करती हो। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? वैसे एक बात बताओ, वो सच में तुम्हें पसंद करता है या नहीं? मुझे नहीं पता। क्यों? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो तुमसे ज्यादा खूबसूरत है। मॉम, अब सुनो, उसे हाथ से बिल्कुल जाने मत देना। तुम किस्मत वाली हो, समझ लो वो तुम्हारी लॉटरी है। मॉम, क्या आप सच में मेरी मॉम है? देखो, तुम्हारी भलाई चाहती हूँ इसलिए कह रही हूँ, समझी? अच्छा है दिखने में।
रहा है। यून्वू, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले सकता हूँ? मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई और तुम मुझे ही पीछे ढकेल रहे हो। ओह, शायद तुम जी हुन हो, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। तुम मुझे यहाँ मिलोगे, हमारा मिलना किस्मत में था। लगता है यूरा जीहू को पसंद करती है ना? मुझे शूटिंग पर जाना है तो आज तुम्हें अकेले ही घर जाना होगा। ये सच में जीहू नहीं?